तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री, वो स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करता है, कब करता है रिप्रेजेंट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जो प्लस टू जी एक्स डेल्टा जीरो टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करता जब डिटरमिनेंट 0 हो, है? तो डिटरमिनेंट किसका बनता है? ये देख लो, डिटरमिनेंट याद रखने का तरीका, एच ओ हैंडसम गाय, ठीक है। अब होता है किसी ने निकाला ये हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा। लेकिन ये सिर्फ याद रखने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको मत ये कर लेना, ठीक है, ये याद रखने के लिए बस, इसका चादर मान लो, ठीक है समर। सर मैंने क्या किया इसे? अरे मैं क्या बोल क्या रहा हूं, मैं बस क्या कहना चाहता हूँ कि बस इसको याद रखने के लिए ही है ये, सर हैंडसम आपने कुछ बोला ही गोइंग नहीं उसको सर। फॉर सिनेमा, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, तब जाके ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। याद हो गया डिटरमिनेंट कैसे याद रखा जाए उसका तरीका, क्या होगा बताओ समर्थ। हैंडसम गाय हैविंग ब्यूटीफुल फ्रेंड गोइंग फॉर सेलिंग। हाँ ठीक है, चलो याद हो गया। तो ये जब 0 होगा तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, और इसका रीजन भी मैंने बता दिया था कि ऐसा क्यों होता और ये कंडीशन आती कहाँ से है, वो भी हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, है कि नहीं। हाँ सर, फिर हमने और क्या देखा था कल के लेक्चर में, कि सेपरेट इक्वेशन को कैसे निकाला जाएगा लाइंस के, वो भी देख लिया था, देखा था। सर जनरल फॉर्म में से गया। हाँ जनरल फॉर्म में से, हाँ सर देखा था, वो रूट वाला ना सर। हाँ रूट वाला ही, उसी से हम सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, ध्यान रखना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एंगल बिटवीन द लाइन, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। सेपरेट इक्वेशन तो हमने देख लिया, सेपरेट इक्वेशन चलो या तो फिर हेडिंग डाल के लिखो इसमें, हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। करने के दो तरीके हैं, लेकिन एक ही सजेस्ट करूंगा मैं, पहला वाला जिसमें ये मान लो जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री, बी वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा 0 हो रहा होगा, और उसके बाद हमें इसमें से सेपरेट इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक में क्वाड्रेटिक मानेंगे, या तो तुम एक्स में एज्यूम कर लो या वाई में एज्यूम कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। तो अगर हमने एक्स में एज्यूम कर ली तो ए एक्स स्क्वेयर, एक्स का कोएफिशिएंट फिर 2hy प्लस 2g इनटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, अब क्या आ जाएगी, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। अब इसके रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2hy प्लस 2g प्लस माइनस, इतना ही चल रहा है रितेश, ये पहला ही है, प्लस माइनस अंडर रूट 2hy। अच्छा ये लिखा था कल हमने, अरे तो सुनो तो सही, अभी बीच में मत टोका करना, ठीक है।
तुम्हें कल ही बोला था तो ये आ जाएगा। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो अपने आप ये लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आएगा और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो हमें सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। प्लस के साथ लेने पे एक इक्वेशन, माइनस के साथ लेने पे एक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट? नो सर। चलो फिर आगे जाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑफ लाइंस। तो इसको करने के दो तरीके हैं। मेथड वन क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेथड वन में फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस साइमल्टेनियसली एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। यही है ना साइमल्टेनियस की स्पेलिंग? सर स्पेलिंग में क्या है? क्या होगा सर? क्या कहाँ पे क्या होती है? ई की जगह ए होता है और आई की जगह ई होता है। उल्टा हो गया क्या? नहीं सर, ई की जगह ए कर दो। ओ अच्छा, और इसकी जगह याद नहीं आते रहे कभी कभी, उम्र होती चली है अब मेरी। साइमल्टेनियसली सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। फिर उसके बाद एम टू मेथड टू, उसमें क्या करेंगे आप देख लेना ढंग से। डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से सभी को आता है, आता है क्या? हाँ सर। यस सर। कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता? आता है सर। आता है, चलो देख लो फिर यहाँ पे। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके लिए मेथड टू क्या है, अब उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे आता है वो। हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए। क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, ये टू ए एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट है ध्यान रखना। फिर ये टू एच वाई, ये y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? जीरो, 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 जीरो। यहाँ पे 2g is equal to जीरो। तो इसमें क्या है, पहला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय एज्यूमिंग y कांस्टेंट, बाय एज्यूमिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, एक इक्वेशन आ गया, कौन सा, ये ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू जीरो, ये पहला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y बाय एज्यूमिंग x कांस्टेंट, बाय एज्यूमिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसके किया और यहाँ पे बाय एज्यूमिंग x एज कांस्टेंट, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये पहले तो ax स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 2hx, फिर 2by प्लस 2f इज इक्वल टू जीरो, दैट इज hx प्लस by
प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड आ जाएगा. बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय, या तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यही सही है. बाय सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार ध्यान से सुन लो फिर से. हमने पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो x और y में एक रिलेशन आया. ठीक, फिर हमने डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में बाय एज्यूमिंग x कांस्टेंट, तो x एंड y में दूसरा रिलेशन आया. तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो हमें x एंड y मिलेगा वही इसका रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, सर इसके पीछे की स्लाइड दिखाओ ना एक बार. ओके, लो लिखो जल्दी. और सभी लोग साथ ही साथ लिखते जाओ, मुझे ये सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग बस वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं, नोट्स लिखते नहीं है, बाद में फिर रिकॉर्डेड देख देख के नोट्स कंप्लीट करते हैं. सही है, सुना है क्या मैंने ये? बताओ क्या सर? मतलब कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं, नोट्स नहीं बनाते उस वक्त, और बाद में रिकॉर्डेड देख देख के नोट्स बनाते हैं. क्या ये सही है क्या? सर नेक्स्ट स्लाइड. सर नेक्स्ट स्लाइड. ले बेटा नेक्स्ट स्लाइड तेरी. तू बता पहले, नोट्स अभी बनाता है ना? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा है मतलब बनाता ही होगा. कितने लोग हैं जो साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं? हो गया लिखे. और बाकी के लोग क्या कहते हैं? बाकी के गोटिया खेलते हैं क्या, फिर बैठे बैठे नोट्स वीडियो देखते देखते, या खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं? नहीं सर, करते. सर हाँ, ये अपने बीच में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या सर वो सेकंड वाला एच एक्स प्लस बी वाई क्या एच वाई? अरे बी वाई है बेटा, अंधे जरा उसको डिफरेंशिएट करना, तो खुद भी करके देख वहां पे. सर मेरे मेरा डिफरेंशिएशन अलग आ रहा है सर. तेरा डिफरेंशिएशन क्यों अलग आ रहा है? सर आपने उसको ही किया है ना, वो जनरल फॉर्म को ही किया है ना? किसको किया है मैंने डिफरेंशिएट? सर मेरा 2hx plus 4y plus 2f आ रहा है. अबे गधे, 4y कौन सा 4y? अच्छा यहाँ पे b है, सॉरी b लिख लेना, गलती से 2 हो गया, b है वो. ये b है, ठीक है, सही है, सही पहचाने हो. क्या फिजिक्स के नहीं लिखते हो? क्यों नहीं लिखते हो साक्षी फिजिक्स के? सर वो लिखने नहीं देते सर, वो एकदम रफ करके टूट. हां टाइम लगता है. हां सर फिजिक्स में सर हाँ सर, आप सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक लिखते हो, इसलिए धन्यवाद भाई. अब बताता हूँ मान सर को. सर बताना मत, बताना. नहीं सर, ये साक्षी कुछ ज्यादा ही बोल रही थी. बता सर, बता सर. सर बता, अच्छा होगा हमारे लिए. ये साक्षी, साक्षी का नाम जाएगा उधर.
सिमरन सभी के लिखते हैं। चलो बढ़िया है सिमरन, लेकिन पहले तुम ही डिमांड करते थे रिकॉर्डेड की कि नोट्स लिखने हैं जल्दी भेज दो, है कि नहीं सर? तब मैं न्यू थी इसलिए। सर अगला भेज लो। ले बेटा अगला भेज ले तेरा। क्या है ये परसेंटाइल, ये कौन बात छेड़ देता है? जेई मेंस 2021 का परसेंटाइल क्या आ सकता? तेरे को उसकी क्यों पड़ी है 2021 की? अभी आ गया क्या रिजल्ट? कल आएगा ना सर? कल पहले शिफ्ट का आएगा क्या कि पूरा सबका आएगा? पूरा आ जाएगा, मतलब परसेंटाइल आएगा। अब पता नहीं परसेंटाइल कैसा निकलेगा, क्योंकि बच्चे कम थे, पेपर थोड़ा आसान था, बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं की थी, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब पता नहीं कौन सा मतलब कौन सा ये ज्यादा मैटर करेगा यहाँ पे। 295 पे 99.9 है ना सर? किसने कहा 295 पे तो वो 100 परसेंटाइल आएगा? अबे परसेंटेज परसेंटाइल अलग है गधो। सर जिसने पढ़ाई की होगी उसका तो बहुत अच्छा गया होगा। हाँ लेकिन बहुत कम ही बच्चे ऐसे थे। मतलब हमने 99% लोगों को पीछे छोड़ा है ना? क्या क्या 99.5% है? मतलब 99.5% लोगों को हमने पीछे छोड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, उतने लोगों को तुमने पीछे छोड़ा है, और तुम्हारे आगे सिर्फ कितने परसेंट बच्चे हैं? 0.5। तो देख लो 7 लाख का 0.5 कितना होता है? 350 है, नहीं 3500 है ना? मतलब सर जिसका परसेंट है 99 अब होगा उसका 3500 के आगे रैंक आ जाएगा। हाँ मतलब जिसका 99 ही एग्जैक्ट 99 तो उसका परसेंटाइल रहे, मतलब उसका जो रैंक रहेगा वो 6 से 8 हजार के बीच में रहेगा। कोई नहीं, वो तो देख लेंगे अपन। वो रैंक कितनी होनी चाहिए आईआईटी को? हाँ अभी याद आ रहा तुम्हें रैंक कितनी होनी चाहिए? रैंक तो वैसे पॉजिटिव होनी चाहिए। मेंस का थोड़ी ना सर, एडवांस का टॉप 1 लाख 1 लाख 50,000 ढाई लाख में आने चाहिए। 2.5 लाख सर मेंस का पहला आइटम सब ऐसे देते हैं ना? हाँ मेंस का पहला आइटम सब ऐसे देते हैं ना, मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं करते ना? ये किसने कह दिया तेरे को? सर एक दोस्त बोला था मुझे। तेरा दोस्त बोला? तेरा दोस्त क्या बच्चों को प्रेजेंट कर रहा है क्या? यार बच्चे पहले अटेंड में ज्यादा फोकस करते हैं ना? कोई नहीं, सारे बच्चे पहले पढ़ते हैं। जैसे मान लो 12th वाले जो बच्चे होते हैं वो, अगर मान लो जैन और अप्रैल होंगे तुम्हारे टाइम पे, तो दो ही अटेम्प्ट होने के चांसेस है, तो जैन और अप्रैल वाला होता है मान लो, तो तुम लोगों की प्रिपरेशन जैन के लिए परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब तब तक पूरी हो जानी चाहिए विद रिवीजन और ये। और अप्रैल में क्या दिक्कत आती है तुम लोगों को? तुम्हारा बोर्ड होता है जस्ट उसके पहले, और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में आते हैं रिपीटर्स। जैन तक उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है तो वो आते हैं फिर रिपीटर्स, अप्रैल में आते हैं रिपीटर्स, तो उनके लिए वो अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है सर, एग्जाम कहाँ से देनी होती? क्या एग्जाम कहाँ से देनी होती? एग्जाम घर पे बैठ के अपने? क्या सर तो सेंटर आता है ना, अब सेंटर आएगा, हॉल टिकट आएगा। जैसे तुमने एग्जाम दिए 10th के एग्जाम, वैसे तो ये एग्जाम जानबूझ के पूछते हैं सर, इनको पता होता है फिर भी। वही तो, इसीलिए तो ऐसे जवाब मिलेंगे इनको। घर पे बैठ के दो, तू भी रूम में आता है। हां सर मैंने पूछता सर मैंने कभी पूछा है सर? नहीं पूछा तुमने तो बहुत शरीफ है सर, तो मुझे सच में मालूम नहीं था। चलो बढ़िया है फिर, अभी तो मालूम हो गया। हाँ सर थैंक यू सर। हाँ बोलो प्रीति, क्या कह रहे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। क्या क्या हुआ अभी तक? अभी तो बस सर्कल जस्ट शुरू ही होने वाला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में खत्म करने जा रहा हूँ, तो ये क्लियर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? सेकेंड सेंटर पे तो अभी तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है,
मैं पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाएगा, मैं भी दूसरा रिक्रूट करना है हम लोगों को, तो वहां पे दूसरा भी हो सकता है, या तो एक आध टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं जा सकता हूँ वहां पे, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। सर मतलब आप भी आप नासिक रोड ब्रांच पे भी सिखाने जाओगे? हाँ, आप नासिक रोड ब्रांच पे भी सिखाने जाओगे क्या? नहीं नहीं, कभी कभी एक आध बार एक आध टॉपिक पढ़ाने, बाकी तो इधर ही अपना मैं, उधर तो दूसरे आएंगे मैं भी। ठीक है सर, मतलब अलग ब्रांच के लिए अलग सर? ठीक है हाँ, अलग ब्रांच के लिए अलग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस तो सेम है यहाँ पे रिजल्ट। एंगल बिटवीन लाइंस के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा था वहां पे? होमोजीनियस में तो सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब वो तो अभी के लिए बोल रहे हैं पाठक सर, तो अभी के लिए बोल रहे हैं कि फैकल्टी सेम हो सकती है, सकती है, फिक्स नहीं है अभी, अभी तो जस्ट अनाउंस हुआ है। वो तो जुलाई में शुरू होने वाला है वहां पे सारी बैचेस, जून जुलाई में टेंथ बोर्ड के बाद। तब तक तुम्हारा खत्म होने को आ गया होगा सिलेबस, एंगल बिटवीन द लाइंस। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट है, और हाँ इसमें कंडीशन वही जो थी, पांच केसेस जो बनते थे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो तो लाइंस कैसी? रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर उसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो तो लाइंस रियल एंड इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल बोलना यहाँ पे, इक्वल थोड़ी, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ सर पैरेलल, मतलब वो लाइंस ऐसी भी हो सकती है, ध्यान रखना आप, लाइंस आर पैरेलल लिख लेना, लाइंस आर पैरेलल एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो तो लाइंस आर इमेजिनरी। फिर उसके बाद अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर h इज इक्वल टू जीरो तो इक्वली इंक्लाइन टू x एक्सिस। हाँ वेदांत जाधव, ज्यादा हाथ चल रहे तुम्हारे, इक्वली इंक्लाइन टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये पांच यहाँ पे भी आ जाएंगे, बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो तो लाइंस पैरेलल लिखना। अब वो इक्वल भी आ सकती है या पैरेलल भी रह सकती है, इस तरीके की भी रह सकती है, या तो ओवरलैपिंग भी रह सकती है, इक्वल, दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है होमोजिनाइजेशन, क्या कहते हैं, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, हेडिंग डाल दो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये देख लो, अगर हमने ये वाला लिया है, ये होमोजीनियस फॉर्म अगर लिया है लाइन का, 2hxy plus by square is equal to zero, तो एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या आता है, कंबाइन इक्वेशन x square minus y square by minus b equals to x upon a minus b is equal to xy upon h, ये आता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहता है लाइंस का,
ओरिजिन हो जीरो जीरो। अब मान लो हमने जनरल को कंसिडर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ये रहेगा जीरो जीरो, ठीक है, ये जीरो जीरो रहेगा। अब उसके बाद ये यहाँ पे जीरो जीरो थोड़ी कोई और आएगा, जीरो जीरो तो इसमें, यहाँ पे वो मान लेते हैं x नॉट कॉमा वाई नॉट आ रहा है, x नॉट कॉमा वाई नॉट आ रहा है, देन कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, x की जगह पे आ जाएगा x माइनस x नॉट का स्क्वेयर माइनस y माइनस y नॉट का स्क्वेयर। यहाँ पे जीरो जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो x माइनस जीरो का स्क्वेयर तो x स्क्वेयर ही, y माइनस जीरो का स्क्वेयर y स्क्वेयर, यहाँ पे x माइनस जीरो इंटू y माइनस जीरो तो एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे अगर x नॉट कॉमा y नॉट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस x नॉट y माइनस y नॉट अपॉन एच, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हो, किससे रिलेटेड है, तो किसको आपस में बातें चल रही लग रहा है, हाँ होगा ही, ये क्या किस लिए डाला था वैसे, किसको भेजा था तूने ये बता देवेश, कोई ना कोई बकरा मिल ही जाता है हर एक क्लास में, इस बार ये देवेश बना है, ये क्या है जो तूने लिखा है, किसी और को भेजना चाह भेजना था तेरे को, तूने मेरे को भेज दिया है, क्या है बता, और ये किसको भेजना चाहता था तो वो भी बता, उसका भी नाम बता, बता जल्दी से, अगर भग गया तो बाद में आएगा ना ऑफलाइन में, अब चुपचाप बता दे अभी, सेंटर का अच्छा मेरे को ही बोल रहा था क्या, ठीक है भाई मेरे तो ऊपर से गया जो तूने लिखा, बाकी के लोग इधर लिखो, चलो जल्दी करो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हो गया, हो गया सर। अबे ग्रुप पे लिंक क्यों आया है, क्या आया है, लिंक आया है, भेज दिया होगा सर ने, किसने भेजा है, मान सर, मान सर, मान सर नींद में है क्या आज, क्लास ठीक है तुम लोगों की आज, नहीं सर गलती से भेज दिया होगा सर, नहीं सर, ये मान सर ने पता नहीं कोई तो भी दूसरा टॉप है ये उठा लिया है टाइम टेबल, एक मिनट किसी कौन से बैच में थे वो भी देख लेते हैं ना उनकी, या तो फिर एमबी में होगी, कौन से भी बैच में, चले मत जाना गलती से उधर, सर अभी तो हुआ लेक्चर फिर से क्यों लेंगे, याद ही नहीं लगता है मान सर को, चलो लेते हैं मजे लेते हैं मान सर के, अरे वो मेरे ख्याल से वो भेजना चाहते होंगे,
YouTube की लिंक भेजना चाहते होंगे, उन्होंने Zoom की भेज दी। हाँ सर यही होगा। चलो कोई नहीं, आ जाते हैं हम आगे। क्वेश्चन लिखो अब तुम इसके ऊपर, वही वो YouTube की भेजना चाहते, मतलब देख भी लिया क्या तूने अथर्व जाके? तुरंत लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है। इतनी क्यूरियोसिटी यहाँ पे दिखाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ कुछ तो क्वेश्चन दिया है सर ने, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, आज मजा आएगा। ऐसा कभी लगा है क्या? आज तो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मजा आ गया। लगा है ना सर? मजा तो किसी और ही चीज में आता है, तुम लोगों को टीवी देखना, चैट करना। आज तो टफ वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया, ऐसी फीलिंग आती कभी कभी तो पूछो मत। ऐसी आई है कभी? हाँ सर, रोज आती है सर। रोज आती है क्या? मतलब लगता है आपको नहीं सब कुछ है अब सॉल्व करने के बाद, ऐसा लगा है? रोज लगता है। हाँ सर, मैंने ही किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, बाकी सबके ने तो नहीं बना होगा ये, ऐसा लगना चाहिए। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तुम अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स pair of straight lines. जल्दी से करो। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा सर्कल शुरू करना है हमें। कितना आ रहा है लैम्डा? बताओ फटाफट बताओ।
आया लैम्डा? चलो देखो क्या आता है अब ये ए कितना है यहाँ पे, पहले ये निकाल लो ए टू बी थ्री एच फाइव बाई टू जी थ्री एफ सेवन बाई टू एंड सी लैम्डा। अब ये देख लो एंड सम गाय तो ए एच थ्री Having beautiful frame, 3 7 by 2 going for cinema, तो यहाँ पे lambda, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे is equal to 0 होता ही है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो lambda की वैल्यू 4 आती है, सॉल्व कर लेना इसको, अब तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर लेना lambda 4 आएगा, तो इतना ही लिख लो बाद में सॉल्व करके देख लेना ठीक है। यस सर। सर मैं वो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री से कर रही थी। कौन सा जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री से कर रहे हो? वो इक्वेशंस के हम रूट्स निकालते थे ना। ए वो किस लिए करना है वो जरा ध्यान से सुन लिया करो, वो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन जब निकालने तब उससे जाना, यहाँ पे लैम्डा पूछा गया तो कंडीशन याद रखनी है ना हमें, किस लिए लिखवाई है वहां पे कंडीशन, चलो ठीक है हो गया ये। इतना ही लिख लो तुम भी, हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट इसके बाद अब ये 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स pair of lines, then find first part में separate equation फिर उसके बाद second part में point of intersection third part में एंगल बिटवीन लाइंस फोर्थ पार्ट में कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तीन मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो ये।
नहीं किशोर गलत है, गड़बड़ है तुम्हारा आंसर में। वन कॉमा माइनस टू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये सही है। तभी एंगल निकाल रहे क्या? क्या कह रहे हो साक्षी? आया वो वन पॉइंट वन एंड माइनस टू आए है। ओके बहुत बढ़िया, आगे एंगल निकाल रहे हो। चलो फटाफट एंगल, फिर कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। सर एंगल टैन इनवर्स 1/5 क्या? नहीं है, सारा लाइंस गलत है तुम्हारी। तो चलो यहाँ पे देख लो, पहला मैं करके दिखा देता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है हमारा वो 2x² + 5xy, इसमें x स्क्वायर x में क्वाड्रेटिक मानते हैं, तो वो 2x² + 6 + 5y × x, ये x का कोएफिशिएंट आएगा। फिर कांस्टेंट ऑफ 3y² + 7y + 4 इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे x देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ 5y + 6 + −√, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25y² + 60y + 36 − 8 × 3y² + 7y + 4 / 4, क्योंकि 2 ए होता है ना, तो ए कितना है यहाँ पे? 2 है। x यहाँ पे माइनस, ये कितना आ जाएगा? 5y + 6 + −, यहाँ पे 8 × 3 = 24, तो यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे ये 60y, ये माइनस 56, तो ये माइनस 4y, ये 36 क्या? प्लस 4y बचे। हाँ प्लस 4y, एंड यहाँ पे 36 − 8 = 32, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे देख लो x इज इक्वल टू, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? हाँ देख लो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये माइनस 5y प्लस माइनस, ये आ जाएगा y + 2 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय कितना आने वाला है? 4 आने वाला है, तो ये आ गया। तो एक बार हम अब किसके साथ लेंगे? प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो ये देख लो x इज इक्वल टू माइनस y, माइनस 5y माइनस 6, प्लस के साथ लिया तो y प्लस 2 अपॉन 4, एंड माइनस के साथ लिया तो माइनस 5y माइनस 6 माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे देख लो x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1, तो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन यहाँ पे x माइनस 6y माइनस 8 अपॉन 4, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 4, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। तो जल्दी से लिख लो इसको, पहले पार्ट को। हो गया सर। सर नेक्स्ट स्लाइड।
अरे नहीं अंश, वन कॉमा माइनस टू आता है, यहाँ पे देख लो पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एक, तो क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या तो क्या करेंगे वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला तरीका, तो डिफरेंशिएशन से ही हम करते हैं, ये तो हम कर ही लेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो निकाल ही लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन वाले की भी एक प्रैक्टिस हो जाए, उसकी वजह से इसको हम डिफरेंशिएशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, इसको हम पहले, ये इक्वेशन क्या है, 2x² 5xy + 3y² + 6x + 7y + 4 = 0, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए। तो ये देख लो, ये 4x + 5y + 6 = 0, ये फर्स्ट। फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये 5x + 6y + 7 = 0, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, 5 × 1 - 4 × 2, उससे क्या हो जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 25 - 24 × y + 30 - ये कितना आ रहा है यहाँ पे 28 = 0, तो y = -2, तो x = 1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है 1, -2, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ, ये पहला हमें कैसे मिला, पहला इक्वेशन, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया y को कांस्टेंट मानते हुए, दूसरा कैसे मिला, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x को कांस्टेंट मानते हुए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा क्लियर है अब? हाँ सर। अब उसके बाद उनके बीच का एंगल, तो ये देख लो, थर्ड में टैन थीटा जब निकालेंगे, एच कितना है, 5/25/4 - ab, ab कितना आएगा, 6/5, तो ये देख लो यहाँ पे टैन थीटा 1/4, ये 1/5 आएगा, 1/5, तो बस काफी इतना ही रख लो, इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एंगल आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब फोर्थ में कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है, तो x - 1² - y + 2² / a - b means 2 - 3 to x - 1 × y + 2 / h 5/2, तो ये combined equation of angle bisectors, का equation अलग अलग आते हैं, कौन से equation कह रहे हो किशोर सर, वो दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व किए, तो लाइन के इक्वेशन क्या, हाँ यहाँ पे देख लो, अब ये लाइन के इक्वेशन नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रख लो तुम, ये लाइन के इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब हो गया क्लियर तुम्हारा डाउट, यस सर। लाइन के इक्वेशन तो यही है, ये जो निकालते हैं ना अंडर रूट वगैरह करके, वो लाइन के इक्वेशन है, ये तो एक तरीका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, दो रिलेशन आएंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इक्वेशन नहीं है लाइन के, ध्यान रखना, जो हमें लाइन चाहिए उसके इक्वेशन तो ये नहीं है। क्लियर है ये सब अब? यस सर। सर सेकंड स्लाइड करो ना। ओके सेकंड स्लाइड ओपन करता हूं, जल्दी लिख लो उसको। ओके
आप सर्कल चालू हो गया ना सर। थर्ड साइड। ओके थर्ड स्लाइड ये लो जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल होगा सर्कल स्टार्ट। आज 15 मिनट लेट क्लास शुरू किए है तो 15 मिनट आगे खींचूंगा मैं, लेकिन सर्कल स्टार्ट करके रहूंगा आज तो। ग्रुप पे डाला है मैंने एमसी वजह से तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो उनके साथ अन्याय ना हो उस वजह से सर्कल तो शुरू होगा आज। ऐसे प्रीति मैडम अभी तक क्लास नहीं किए 2 वीक से, लेकिन सर्कल का नाम सुनते ही आ गए, है कि नहीं प्रीति? तो हमारी हालत मेरी हालत मुझे को पता है कैसी हो रही है एग्जाम में। क्या क्या अभी कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा है जो क्लासेस वगैरह अटेंड करने के, 12 से 4-5 दिन से बस 12 से 2 बजे तक खुली है। चलो कोई नहीं, थोड़े दिनों की बात है, ये समय भी निकल जाएगा। 18 तारीख से फिर कंटिन्यू कर लेना तुम। हाँ क्या कह रहे हो वेदांत? चलो हो गया होगा मेरे ख्याल से ये। आगे बढ़ते इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, होमोजेनाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, पेयर ऑफ लाइंस का, जिसके कंसेप्ट आगे हम सर्कल में भी यूज करेंगे, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में भी यूज करेंगे। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन तो लिखो, जिसने भी ये बनाया है बहुत मतलब जीनियस है वो, एक तरीके से देखा जाए मतलब जिसने भी सोचा होगा ये होमोजेनाइजेशन वाला तरीका, और उसके बाद नाम भी फिर यूनिक ही दे दिया उसको, होमोजेनाइजेशन। ठीक है तो डाल दी हेडिंग। Yes, sir. अब ये देखो ये क्या कहता है होमोजेनाइजेशन, हमें एक 2 डिग्री का कर्व, जैसे मैंने बोला था जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल एलिप्स है ना, तो यहाँ पे हमें कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स भी हो सकता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स भी एक कर्व ही है, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है, ठीक है, लीनियर कर्व है, लीनियर इन एक्शन वाई ऐसा कर्व है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन रहेगा, 2 डिग्री का एक इक्वेशन गिवन रहेगा, जो कि किसी एक कर्व का इक्वेशन आ रहा होगा, बी वाई स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद हमें एक लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, और इनकी डायग्राम इस तरीके से बन रही होगी। मान लो ये कर्व का ग्राफ है, ये कर्व की डायग्राम है, ये उसका इक्वेशन, ये उसकी डायग्राम है, एंड ये लाइन है, इस तरीके से इसकी डायग्राम बन रही होगी, दोनों दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दोनों दो जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को, ओरिजिन से जो लाइंस ज्वाइन करती है, जैसे ये लाइन, ये रेड वाली लाइन ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे वाली, इन दोनों पॉइंट्स को मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है, तो अब हमें OA एंड OB का कंबाइन इक्वेशन चाहिए, OA एंड OB का कंबाइन इक्वेशन चाहिए। तो
तो उसको करने का एक तरीका तो क्या है कि हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर ओए का इक्वेशन लिखेंगे, ओबी का इक्वेशन लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजेशन किस लिए यूज होता है ये क्लियर हो गया डायग्राम से? यस सर। ठीक है, तो डायग्राम में तो लिख लो होमोजेनाइजेशन क्यों यूज करते हैं हम। पहले तो होमोजेनाइजेशन इज यूज टू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, टू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस और ये कम क्यों हो रहे हैं बच्चे अभी, या जानबूझ के करते हो ये? कोई नहीं, जिसको जाना है जाओ। ऐसे बोला गया सर्कल शुरू होगा तो होगा आज, और उसमें अच्छी अच्छी चीजें दो तीन कंसेप्ट तो पढ़ा ही दूंगा। तो लिखो इसमें। और ये होमोजेनाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, ये अगर तुमने नहीं अटेंड किया तो फिर तुम कहीं पे पढ़ भी लोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसके क्वेश्चंस वगैरह दिक्कत देगी, ये बाद में चीजें देख लिया जाएगा सब। तो लिखो होमोजेनाइजेशन इज यूज टू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, टू गेट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग, लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन, लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द lines joining origin to the point of intersection of lines joining origin to the point of intersection of given line and given curve। Now homogenization kis liye use karte hum? To get the combined equation of lines joining origin to the point of intersection of given line and given curve, उसके लिए हम homogenization का use करते हैं। ठीक है, और उसमें करते क्या है तो ये सुन लो ध्यान से। अब ये जो line का equation होता है ना, इससे हम generate करते हैं one, इससे हम one generate करते हैं। और कैसे? constant term को एक तरफ लेके जाते हैं, constant term को एक तरफ लेके आ गए, lx plus my is equal to minus n। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके चलेगा, माइनस n से डिवाइड कर देंगे, माइनस n से डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा lx plus my upon minus n is equal to zero, ये हम is equal to one, sorry is equal to one। तो one हमने जनरेट कर लिया लाइन से, तो one कैसे जनरेट किया जाएगा, क्लियर है? वन कैसे जनरेट किया जाएगा, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे और उससे डिवाइड कर देंगे तो वन आ जाएगा। अब इसी वन की हेल्प से हम इसके इक्वेशन को होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज करेंगे मतलब सबकी डिग्री सेम करेंगे, सबकी डिग्री सेम करेंगे मीन्स टू करेंगे। तो जैसे देख लो यहाँ पे, ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर, इनकी डिग्री टू है, तो यहाँ पे डिग्री देने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही अगली वाली टर्म है 2gx, यहाँ पे डिग्री कितनी है? वन। तो यहाँ पे कितने डिग्री की रिक्वायरमेंट है? और वन, एक डिग्री की और रिक्वायरमेंट है। तो 2gx को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2gx into 1? फिर उसके बाद 2fy into 1, एंड ये c है, यहाँ पे कितने डिग्री की रिक्वायरमेंट है? दो। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 1 स्क्वायर। तो देख लो अब यहाँ पे ये इक्वेशन होमोजेनाइज हो गया, सबकी डिग्री 2 आ गई।
कैसे इस वन की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, यहाँ पे टू एफ वाई, उस वन की जगह पे एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, एंड ये सी इन टू एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन होमोजेनाइज हो गया, किसी भी टर्म की डिग्री देख लो तुम, इसमें वो आती है टू, और ये इक्वेशन अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ ए एंड ओ बी के कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइन पासिंग थ्रू दी, दिस रिप्रेजेंट्स कंबाइन इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। होमोजेनाइज कैसे किया जाएगा, क्लियर है आप सभी को, बोलो। हाँ सर। यस सर। पहले हम लाइन से वन जनरेट करेंगे और फिर टू डिग्री के कर्व को देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ टू डिग्री को देखेंगे, जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे उसके अकॉर्डिंगली डिग्री हम प्रोवाइड करेंगे वन की हेल्प से। जैसे यहाँ पे वन एक डिग्री की रिक्वायरमेंट थी तो टू जी एक्स इंटू वन, तो वन की जगह पे ये पुट कर दिया, यहाँ पे एक डिग्री की रिक्वायरमेंट थी तो टू एफ वाई इंटू वन, वन की जगह पे ये, यहाँ पे दो डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो सी इंटू वन स्क्वेयर, तो उसका स्क्वेयर दे दिया। और ये होमोजेनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन कर्व। लिखो इसको सर, नेक्स्ट स्लाइड। लिख लिया? Okay. चलो अब इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस सर्कल। तो लिखो, तो लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ या तो पहले ऐसे लिख लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक टू डिग्री का इक्वेशन ये हमें गिवन है, लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट, ये लिख लेना आगे, लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर at two points, then find first part mein combine equation of lines Combine equation of lines joining origin to the point of intersection
of given line and given curve. फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में लाइंस ऑब्टेन इन इन फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन में जो लाइंस हमें मिलेगी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड कंडीशन then find condition and फिर इसी में third part में lines obtained in first are equally inclined to x axis ठीक है तो जल्दी से बताओ तो क्या आएगा कंबाइन इक्वेशन फिर उसके बाद लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन आएगी एंड अगर इक्वल इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है तो क्या कंडीशन आएगी देखो जल्दी से हो गया चलो पहला देखो अब कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो होमोजेनाइजेशन का यूज करना है क्लियर है क्या क्योंकि हमें ओरिजिन को ज्वाइन करना है इस कर्व के एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होमोजेनाइजेशन करना ये तो क्लियर हो गया यस सर तो अब करेंगे कैसे तो ये देख लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वन जनरेट करना है y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी तो y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू वन आएगा ठीक है उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये कर्व है अब ये बताओ यहाँ पे डिग्री देने की जरूरत है क्या पहले में नहीं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे दो डिग्री देनी है ये यहाँ पे कांस्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे दो डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी का होल स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये किसका इक्वेशन है जो हमें लाइन्स चाहिए थी कौन सी लाइन्स ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन कर्व उनका कंबाइन इक्वेशन ये है तो ये देख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया इसको सिंप्लीफाई करो चाहे ना करो ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये आ गया पहले का आंसर ये फर्स्ट का आंसर आ गया सेकेंड सेकेंड में अब क्या बोला गया है ये जो लाइन्स आ रही है इसमें ये आपस में कैसी है
परपेंडिकुलर तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते तो उसके लिए कंडीशन क्या आएगी बताओ a plus b equals to zero a plus b is equal to zero a plus b means क्या x square और y square का coefficient of x square coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to zero ये हो जाएगा coefficient of x square plus coefficient of y square zero तो यहाँ पे देखो coefficient of x square कितना आ रहा है यहाँ पे तो one है यहाँ से कितना आएगा ये बताओ इसको पूरा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं थोड़ा सा अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो हमें बस x square चाहिए तो x square का coefficient यहाँ पे one है इधर कितना आएगा इधर m square by c square m square m square by c square आएगा और ये a square के आचार डालने भेज दिया क्या a square m square हाँ m square a square a square m square by c square a square m square by c square आएगा x square का coefficient उसको जब हम left hand side में लेके आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा हाँ coefficient of x square कितना आ रहा है फिर one minus a square m square upon c square plus coefficient of y square यहाँ पे one यहाँ पे कितना आ रहा है y square का coefficient a square by c square a square by c square इधर भेजेंगे तो minus तो one minus a square by c square is equal to zero तो यहाँ पे देख लो two is equal to a square m square by c square plus a square by c square तो ये देख लो two c square is equal to a square into m square plus one ये वो condition आती है ये clear है क्या कैसे आती है yes sir and फिर उसके बाद ये बताओ third part में क्या zero होगा h coefficient of x y x y अब यहाँ पे बताओ coefficient of x y क्या आ रहा है minus a square यहाँ पे two m by c हाँ plus a square 2m by c is equal to 0 ये वो condition है c तो 0 हो नहीं सकता है इसको इधर भेज देंगे तो a square 2a square m is equal to 0 काफी इतना ही रख लो ठीक है सर पिछला भेज तो क्लियर है होमोजेनाइजेशन आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर वो भी क्लियर है क्या Yes, sir. मतलब होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो दो लाइंस आती है ना सर अगला भी वो तो ओरिजिन से पास करती है जैसे ये लाइंस रुको सर इसमें दो लाइंस है ये दोनों की दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही है अब बोला गया कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री एंगल होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 तो हमें बस यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर से मतलब था तो बस वहां तक ही रेस्ट्रिक्ट रखा इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हो गया सर हाँ इसके बाद सर्कल लोगे क्या आप हाँ हाँ सर्कल शुरू होगा अभी हो गया सर हो गया नहीं सर रुको
हाँ ये लास्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये लास्ट है। इसके बाद अब सर्कल डालो, हेडिंग सर्कल। सर्कल तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे आज बस। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज तो तुम लोगों को पता भी होगी, ये होती है कि सर्कल में डायमीटर जो होती है किसी एक सेगमेंट में कितना एंगल सबटेंड करती है। ये सेंटर है मान लो, ये डायमीटर है, कितना एंगल 90 डिग्री। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, डायग्राम वाली। फिर उसके बाद सेकेंड, कोई कॉर्ड है मेजर एक्सिस, मेजर सेगमेंट में कितना एंगल सबटेंड करता है। मैं सोच समझ के बताओ, यहाँ पे थीटा वन कैसा रहेगा, लेस देन 90 रहेगा ना। यस सर। एंड थीटा टू ग्रेटर देन 90 रहेगा। एंड थीटा वन प्लस थीटा टू कितना आएगा, 180 पाई आएगा, ठीक है। आई आ जाएगा ये। फिर उसके बाद थर्ड, ये कॉर्ड है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। इसका मतलब कॉर्ड अपने एक सेगमेंट में चाहे मेजर रहे चाहे माइनर रहे उसमें सेम एंगल सबटेंड करता है हर एक पॉइंट पे। फिर फोर्थ, सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को मान लो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सिकेंड थ्योरम मेरे ख्याल से सभी को आती होगी, है ए बी सी डी और ये ई, क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, ए ई इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। ये पता है ना सिकेंड थ्योरम। Yes, sir. फिर उसके बाद सिक्स, सर्कल में दो तरीके के सीकेंट थ्योरम होते हैं। एक तो ये वाला, पी से हमने एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया है यहाँ पे टी पे, ये टी पे टेंजेंट है, ये ए है, ये बी है और ये पी है। तो यहाँ पे बताओ पी ए इंटू पी बी कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर। ये सिक्स नंबर की हो गई, ठीक है। हो गया, ठीक है। लास्ट एक प्रॉपर्टी इसकी सेवेंथ नंबर की। अब हमने अभी ऑर्थो सेंटर देखा है क्या होता है, ऑर्थो सेंटर देखा है ना। तो ये देख लो, ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, उसका ये क्या कौन सा सर्कल आएगा, ये सर्कम सर्कल
सर्कम सर्कल मान लो ये एच है इसका ऑर्थो सेंटर है तो एच की इमेज तुम किसी भी साइड में लो, एच की इमेज किसी भी साइड में लो तो वो लाई करेगी कहां पे? सर्कम सर्कल के ऊपर, ट्रायंगल एबीसी के। ये मान लो एच वन डैश है, ये एच वन है मान लो। फिर उसके बाद हमने इस ट्रायंगल इस साइड में इमेज लिए, मानो इस साइड में इमेज ली तो ये H2, ये परपेंडिकुलर और ये दोनों सेम। तो एक कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे H की तुम किसी भी ट्रायंगल के साइड में इमेज लो तो वो लाई करेगी उसके सर्कम सर्कल के ऊपर, ठीक है? तो इसमें लिख लेना, लैंग्वेज में लिख लेना ये वाला पॉइंट 7। एक तो तुम्हारी आवाज ही पता नहीं आ नहीं रही मेरे को, या मुझे नहीं आ रही है, बाकी को भी नहीं आ रही। किसकी इमेज सर? वो पूछ रहे इमेज मतलब किसकी इमेज? ऑर्थो सेंटर की। इफ वी टेक इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, एच को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, इन एनी साइड ऑफ ट्राइंगल, देन इट लाइज ऑन सर्कम सर्कल, then it lies on circumcircle, ठीक है? वो perpendicular ही होना चाहिए, क्या मतलब अगर बिना perpendicular कोई angle से ले लेंगे तो भी तो वो circumcircle। एक तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, पता नहीं तुम। वो बोल रही कि perpendicular होना चाहिए क्या? कैसा perpendicular? वो बोल रही है हर बार perpendicular ही होना चाहिए। अरे क्या बोलू मैं, ये एक तरीके से अब मिरर की तरह एक्ट कर रहा है एसी, ठीक है? अब हम एच की इसमें इमेज ले रहे हैं एसी में, तो वो एच डैश, तो ये एसी क्या होता है, एच एंड एच डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही है, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे हम सर्कल में। तो तुम इसका एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर लो, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर लेना। सर टू भी कर सकते ना अभी? हाँ टू भी कर सकते हो अब तो, डीसी आज नहीं होगी, आज डीसी नहीं है, ठीक है दर्शना? नेक्स्ट वीक में लूंगा मैं डीसी। बाय सर। एक मिनट लिखने दो, ये लिख रहे हैं बच्चे।